ईमान, हारिब, सेशन स्टार्ट होने वाला है। आपका वो दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे वही दोस्त जिसका आप रात में जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो जिसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी। हाँ वही। जी जी, वो इधर ही है। अच्छा, कहाँ? इसी हॉल में। ये असूलन तो आपको उसके साथ होना चाहिए था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलें जी, जल्दी से सेटल हो जाएं। गुड टू सी, यहाँ तो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं भाई। गार्डन जी, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने मेडिटेशन जो है वो प्रैक्टिस की है। जी, और कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में मेडिटेशन के अलावा भी कंसंट्रेट करने या किसी चीज पे फोकस करने में मुश्किल पेश आई हो? जी, ये मेडिटेशन ही होती है जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन और आप लोगों का फोकस जो है वो दुरुस्त होता है। जिसका जिंदगी में फोकस दुरुस्त हो गया, समझो वो कामयाब हो गया। अपने फोकस को ठीक करने के लिए जरूरी है सबसे पहले अंदर की साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की आदत डालना। क्या आप लोगों ने कभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है? इस आवाज की एक खसूसियत है, ये हमेशा रहती है और एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ रहती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज्यादा। ये वैसे ही मुस्तकिल है जैसे मुस्तकिल खुशी, मुस्तकिल इत्मीनान। तो आज हम इस आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक मिनट के लिए इस कमरे में खामोशी इख्तियार करेंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस आवाज को, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करेंगे और इस आवाज को सुनने के साथ साथ अपने माइंड में आने वाली तमाम थॉट्स को भी आप लोग नोट करें। आपका फोकस जितना क्लियर होगा, आपके जहन में आने वाले इमेजेस उतने ही क्लियर होंगे। जो दिल में है, जो हकीकत है, वही नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग आंखें बंद करें और फोकस करें। क्लोज योर आईज। आंखें खोल लीजिए। कैसा लगा आप लोगों को?
मान रुको, तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको क्यों अवॉइड करूंगी? ओह रियली? तो फिर मेरी तरफ देख के बात करो ना। आपका मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते? जाओ अपने उस दोस्त के पास। वो दोस्त कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। और मेरा मसला तुम हो ईमान। हाँ तुम हो मेरा मसला और तुम ही उसका हल हो। हारे बाप होश में तो हैं? ईमान, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में बात कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे साथ वक्त गुजार के उसे बातें करके मुझे सुकून मिलता है, खुशी महसूस होती है, कुल वैसी खुशी जिसका जिक्र अभी सरसात कर रहे थे। ईमान रुको, ईमान अगर तुमने आज मेरी बात का जवाब ना दिया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। किस आजमाइश में पड़ गए। मैंने वाकई इस लड़के से बात करके बहुत बड़ी गलती की। क्यों मेरे पीछे पड़ गया? मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मोहब्बत का इजहार? यकीनन यकीनन ये सब झूठ है, दोस्ती करने का बहाना। और अगर ये मोहब्बत है भी तो मुझे मोहब्बत से भी नफरत है। या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे कभी मेरे नफ्स के हवाले ना करना, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मुझे मुझे अब इस आजमाइश में ना डालना मेरे अल्लाह, कभी नहीं। हेलो। जी हेलो, जी मैं वकास बात कर रहा हूँ, हारिब का दोस्त। हारिब इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और बेहोशी में मुसलसल आपका नाम ले रहा है। क्या प्लीज आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ सकती हैं? हॉस्पिटल में क्या हुआ है आपको? वो उसने कल रात खुदकुशी की कोशिश की थी। किस हॉस्पिटल में? अगर तुमने आज मेरी बात का जवाब ना दिया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। गो अहेड। एक्सक्यूज मी, पेशेंट हारिब किस रूम नंबर में? ओके। उसको पता नहीं चलना चाहिए। गाइस, ईमान आ गई है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ।
हम लोग जरा कैंटीन होकर आते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया आपने हारिब? मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी नब्स काट ली। हारिब, मैं आपको एक बहुत ही मैच्योर इंसान समझती थी। I'm really disappointed। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। गलत। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुनून है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जुनूनी हरकतें करके आप मुझे इम्प्रेस कर लेंगे, तो माजरत के साथ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और ऐसी हरकतें मुझे मुतासिर नहीं करती। ऑलराइट, माना कि मैं एक जज्बाती और बेवकूफ इंसान हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना सही, कम से कम हमदर्दी तो होनी चाहिए। हारिब, ये इंसानी हमदर्दी है जो मैं यहाँ तक चली। और दूसरी बात, आपकी जान बहुत कीमती है और इसको खत्म करने का हक आपको अल्लाह ताला ने भी नहीं दिया। अगर इस दुनिया से जाएं तो कोई अच्छा काम करके जाएं, और जो चीज किस्मत में है वो तो आपको हर हाल में मिलके रहेगी, और जो चीज किस्मत में नहीं है उसके लिए चाहे आप अपनी जान भी क्यों ना देते, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। तुम मेरी तबीयत पूछने आई हो या लेक्चर देने? चले, मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? जी, काम पे जाना है मुझे। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम ठीक कहती हो ईमान, जिंदगी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। मैं क्यों अपनी जिंदगी के साथ कुछ बुरा करूं जब मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है, और तुम यकीनन मेरी किस्मत की लकीरों में हो। हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूं, हारिब ने मुझसे झूठ ना बोला हो, ऐसा लगता तो नहीं है वो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस प्लीज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। श्योर, यू मे। डॉक्टर, वो उस रूम नंबर 12 में जो पेशेंट है हारिब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आई मीन वो डिस्चार्ज कब तक होंगे? मिस हारिब बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस मामूली चक्कर आ रहे थे, आई थिंक लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो उन्होंने एक रूम बुक करवा लिया ताकि थोड़ा आराम कर सके। हमने तो चेकअप के वक्त ही उन्हें कह दिया था कि ही कैन लीव। क्या मतलब? मतलब यही, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही कैन गो होम। एनीथिंग एल्स? वाह भाई, मान गए, लड़की को तो बहुत फिक्र है तुम्हारी। बस यार, यही तो देखना था, अब यकीन आ गया। आराम से यार, तकलीफ होती है। चल चल, बस कर ड्रामेबाज। अब ये कमरा भी खाली करना है इससे पहले कि ये धक्के देकर बाहर निकाल दें। क्यों धक्के देंगे यार, 24 घंटे के लिए रूम बुक किया हुआ है। सही तो बोल रहे। वैसे हारिब,
ड्रामा तूने बहुत अच्छा किया, अब उस लड़की को सीधे लाइन पे ले आ। वैसे भी क्या है ना कि सिंपल सी लव स्टोरी बहुत बोरिंग होती जा रही है। कोई मजेदार सा ट्विस्ट होना चाहिए शानी।